एक बार जरूर कहीं कोई रहे, एक बार जरूर कॉल करके आप लोग को भी हम बोल रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, आप लोग को भी बोल रहे हैं कि एक कॉल करके अपने माँ से जरूर हालचाल पूछिए। दुल्हन के जैसा नहीं होता है वैसा टाइप का करने का, तो आप लोग हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी पापा जी आए हुए हैं गांव से, और गांव से आने के बाद से बता रहे थे कि वहां पे क्या काम अभी बाकी है, और आज हम स्कूल में ही गए हुए थे और यहां पे मम्मी बैठी हैं, तो बहुत सारा काम हो गया है। जो घेवड़ा काट रहा था उसको चना दाल डाल का सब्जी बना है यहाँ, और ये कटहल का सब्जी सुबह का है। और गाइस इसका रेसिपी चाहिए होगा तो जरूर बोलिएगा। अभी पापा आ गए, तो बहुत सारा काम हो गया है, तो क्या लगता है अभी बहुत टाइम है इसमें? अभी हर टाइम लगेगा एक साल। तो गाइस अभी धीरे धीरे काम हो रहा है, और गर्मी भी बहुत है वहाँ पे। वहाँ पे कैसा, मतलब हर जगह पे होगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा गर्मी इसलिए है क्योंकि 11 बजे के बाद लाइट कट जाता है, तो जनरेटर चलाया गया तो वहाँ से सब काम हुआ स्टार्ट हुआ। और अब जो है खाने का समय हो गया है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग के घर पे क्या बना था खाना, कमेंट कीजिएगा। मैं बता रही हूँ कि आज जाना था मुझे गांव, तो वहाँ नहीं जा पाए हैं, और कल सतुआन है, जो हम लोग जौ का सतुआ और आम का टिकोड़ा खाएंगे, चटनी बना के उसको और छुएंगे भी। तो ये क्या है कि जिसके सास ससुर चाहे कोई नहीं रहता है माँ बाप, तो वो लोग ये करते हैं, छूते हैं। तो हम लोग कल सुबह नहा धोवा के अपना सतुआन का ये करेंगे, छुएंगे। हमारे ससुर थे तो वो करते थे, जौ का सतुआ छुआ जाता था और खाया भी जाता है, चटनी और सतुआ। तो कल हम ये करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे भी, और चलते हैं वीडियो को लेके आगे। तो ये कैसे खेल रही है अपने मस्ती में, हर आदमी का अपना अपना होता है। तो संडे को कौन सा दिन है, 17 तारीख नहीं ना है? हाँ फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज है सतुआन, जो सतुआ का आज विधि होता है, और आम का टिकोड़ा आता है खरीद के, और आज से हम लोग चटनी खाने लगते हैं आम का। इसके पहले नहीं खाते हैं, मैंने हम लोग जिसके सास ससुर नहीं है, जिसके घर में मालिक जो भी होता है घर का, बड़े लोग होते हैं, वो आज से आम का चटनी खाएंगे। और इसीलिए टिकोड़ा का पिसाता है चटनी। तो यहाँ जौ का सतुआ ज़्यादा नहीं मिल पाया है, तो थोड़ा सा है जौ का सतुआ और आटा पैसा और आम का ये है, तो इसको छूना है, और छू कर पंडित जी को दान कर देंगे लोग, किसी को दे देंगे लोग। तो यही सतुआन बोला जाता है, और अंबेडकर जयंती है, तो हैप्पी अंबेडकर जयंती। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं। तो गाइज अभी आप लोगों ने देखा कि सतुआन हो गया है, और सतुआन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी हम लोग मस्त खाना वाना भी खा लिए हैं, और मेरे दिमाग में
बार बार चीज चल रहा था। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा करना चाहिए कि नहीं। हम लोग सोचे हैं कि इस बार मम्मी का एनिवर्सरी एकदम जैसे कि नहीं दुल्हन के जैसा नहीं होता है वैसा टाइप का करने का। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा, फिर हम लोग पीछे हो जा रहे हैं, पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सोच रहे थे लोग कि मेहंदी भी हो अच्छे से सब चीज़ हो, क्योंकि ये मतलब लगभग कितना साल हो गया मम्मी आपका, ये 31 हो गया, 31 साल हो गया शादी का। और तो आप लोग सब आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं। और चलिए मम्मी से ही बात कराते हैं, मम्मी का क्या राय है इस पर, तो बस दिखाते हैं आपको। तो मम्मी क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए एनिवर्सरी, आप क्या बोलिएगा? हम तो शुरू से मतलब मेहंदी उंदी लगाते थे, मेहंदी तो शुभ होता है, लगाना भी चाहिए, हाथ पांव सब श्रृंगार सब करना चाहिए। और केक कटता नहीं था पहले, लेकिन 15-16 साल से कट रहा है केक, तो अच्छा लग रहा है। और 25वां मेरा शादी की सालगिरह जो था, सिल्वर जुबली ना जी, सिल्वर जुबली था, तो पूजा और प्रिंस धूमधाम से मनाया था लोग, और जो मेरे बड़े बेटे हैं थे साथ में, तो सारे लोग मिलजुल के मनाया हुआ था उस समय। तो हम लोग को छाते पर घर पे ही, हमारा घर ठीक है उतना 50-100 आदमी के बैठने लायक है रखने लायक, तो सारे लोग हम लोग घर पर इंजॉय करते हैं। जो भी घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूर नहीं जाना पड़ता है। मैं सब हम लोग आदमी उदमी रखते थे तो खाना बनाने के लिए बुला लेते हैं किसी किसी को, तो आकर बना देते हैं लोग, और बहुत अच्छा से हम लोग का कम पैसा में अच्छा से सब हो जाता है। और होटल में हम लोग जाते हैं तो होटल का प्लेट के हिसाब से रहता है, तो हमको कहीं ये नहीं लगता है कि ज़्यादा इतना करना चाहिए, अपने में सिंपल से आप लोग कर लीजिए अच्छा है। और मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, तो इन लोग को जैसे मन होगा वैसे हम तैयार होंगे, वैसे हम रेडी होंगे, और सालगिरह मेरा धूमधाम से मने। भगवान करे कि मेरा हंसते खेलते ज़िंदगी निकल जाए इन लोग के बीच, और ये लोग इसी तरह अपना प्यार बना के रखे। और माँ बाप को क्या चाहिए, बेटा बेटी का प्यार दुलार लाड़ यही चाहिए। और कोई कितनों दुखी हो, कितनों बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, अगले साल से तो और एक जन बढ़ जाएगा, अपने माँ को एक बार जरूर कहीं कोई रहे एक बार जरूर कॉल करके, आप लोग को भी हम बोल रहे हैं, ये नहीं कि नहीं, आप लोग को भी बोल रहे हैं कि एक कॉल करके अपने माँ से जरूर हालचाल पूछिए कि मम्मी आप कैसी हैं, बस इतने ही चाहिए किसी माँ को, और कुछ नहीं चाहिए। अगले साल से तो एक जन और बढ़ जाएगा, अगले साल तो उसको सब सिखा दीजिएगा, खुद देख रही है सब ब्लॉग हम लोग का घर का, खाना पीना है, सब कुछ जान रही है कि मम्मी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उसमें वो खरा उतर गई, तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। सतुआ का लिट्टी नहीं, सतुआ को तो यही है सूजी का मेरा आज का उद्देश्य। और हम यही कहेंगे कि सारे लोग जहाँ जो रहे खुशहाल रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे। और गाइस जो भी आता है इस धरती पे अकेले आता है, और जाता भी है तो अकेले ही जाता है, उसको कोई किसी को सपोर्ट कोई नहीं करता है। हम लोग आशीवान में घर बनाए, गांव पे बनाए, या एक और गांव पे बन रहा है मेरा, तो उसमें कोई सपोर्ट किसी का नहीं है, हम लोग खुद अपने से मेहनत करके बनवा रहे हैं। और मेरा हस्बैंड अभी हैं उस काबिल कि वो अभी और एक घर बनवाएंगे, अभी तक तो मेरा था कि एक स्कूल बनवा के काम ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि एक और हमको नहीं प्रिंस को एक और घर बनाना पड़ेगा, तो अच्छा है। और यही दुनिया है, यही सब लोग है, सब लोग अगर आप लोग मिल के रहेंगे तभी कोई किसी को हेल्प करेगा, नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, हम नहीं करते हैं तो हमको कोई नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है। और ये फैमिली है, उतार चढ़ाव होते रहता है। और गाइज आप लोग बस प्लीज़ बताइएगा कि कहाँ पे करना सही रहेगा, घर पे या होटल में, क्योंकि अभी हम लोगों का कोई प्लानिंग नहीं है। और नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि कौन कौन वो स्पेशल मेंबर जो है वो आने वाले हैं और इनविटेशन देने वाले हैं हम लोग। तो आई होप आप लोगों को ये अपना प्यार बनाइए और खूब सारा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मम्मी के बातों पे गौर कीजिए, अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट कीजिए, कहीं मेरा बात आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो उसके लिए अपनी माँ समझ के
उसको वहीं छोड़ दीजिए।